वकील साहब, मैं चाहता हूं कि मैं अपना हाईवे वाला प्लॉट हादिया के नाम कर दूं। आप पेपर्स बनवाइए बस। जी, पेपर्स रेडी हो जाएं तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके। शौकत, आप हाईवे वाला प्लॉट हादिया के नाम कर रहे? हाँ? वो तो ऐसा वो सारा का है, और आपने खुद कहा था आपकी हर चीज आपके बच्चों की है। उस वक्त मेरे इल्म में नहीं था कि एहसन और सारा के अलावा मेरी एक बेटी भी है। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी प्रॉपर्टी तीनों में डिवाइड करता। शौकत, वो तो 2000 गज का प्लॉट है। मेरा मतलब है, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना, आजकल कंस्ट्रक्शन करवाना कितना मुश्किल है, और उमेर तो एक मामूली से जॉब करता है, वो इतना बड़ा घर कैसे बनवाएगा? मैं तो कहती हूँ आप कुछ बना बना फ्लैट हाथिया के नाम कर दें। समीना, तुम उसकी टेंशन मत लो। उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन मैं खुद करवाऊंगा। हादिया की शादी हो जाए फिर उसके लिए वहां बैंगलोर की कंस्ट्रक्शन मैं खुद शुरू करवा दूंगा। बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। कई साल पहले मैंने हाईवे पर एक प्लॉट खरीदा था, वो मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। तुम खामोश क्यों? बाबा, मुझे आपके किसी प्लॉट या जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर ये सब कुछ मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ हादिया। बाबा, जब तक आपका साया मेरे सर पर है, मैं सिक्योर हूँ। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, हमेशा सलामत रखे। मुझे इससे भरकर कोई और सिक्योरिटी नहीं चाहिए।